अब हमने शुरू करना है थोरेक्स। थोरेक्स जो होता है वो हमारा रीजन होता है जो जिसमें लंग्स, हार्ट और ये थाइमस, इस तरह की सारी चीज़ें पड़े, ठीक है। अब इनको प्रोटेक्ट कर रहा है एक रिब केज, ठीक है, जो रिब से मिलके बना है। 12 एक साइड पे हैं, 12 दूसरी साइड पे, मतलब टोटल 24 हैं, ठीक है। दरमियान में आपको एक हड्डी महसूस होती होगी, उसे कहते हैं स्टर्नम, जहाँ से ये सारा कुछ अटैच है। और पीछे एक बिल्कुल हड्डी महसूस होती है जिसे रीढ़ की हड्डी या फिर हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। क्योंकि हम थोरक्स की बात करें तो इसमें सिर्फ जो वर्टिब्रा आते हैं ना, हम थोरेसिक वर्टिब्रा डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमने पढ़े होंगे सबसे पहले 7 जो सर्वाइकल के हैं, फिर 12 थोरेसिक के हैं, फिर उसके बाद नीचे कोक्सेक, लंबर और सैक्रल भी आ जाते हैं सारे कुछ। अभी हमने सिर्फ थोरक्स रीजन की बात करें, उसमें सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रा आएंगे। अब आज हमने शुरू करना है स्टर्नम से। तो स्टर्नम जो है उसे स्वॉर्ड कहते हैं, मतलब एक ये क्या, जैसे एक तलवार नुमा एक चीज़ है, ठीक। ये जिस तरह ऊपर आपको जो सी ग्रीन सा हिस्सा नज़र आ रहा है, ये समझिए जैसे तलवार का हैंडल है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे हिस्सा आ रहा है पिंक सा, समझिए तलवार पूरी लंबी चौड़ी तलवार है। और आगे तलवार की जो नोक होती है वो सबसे नीचे ग्रीन वाला हिस्सा है, ठीक है। तो जो ऊपर सी ग्रीन वाला हिस्सा है ना, उसे कहते हैं मैनूब्रियम, MANUBRIUM, मैनूब्रियम, ठीक है। फिर जो नीचे पिंक वाला हिस्सा है, कैसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम। और नीचे जो एंड पे ग्रीन वाला हिस्सा है, उसे कहते हैं ज़ाइफोइड प्रोसेस। ये प्रोसेस है, निकला हुआ हिस्सा, ठीक है, बिल्कुल एक्सट्रूडिंग पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद है, सबसे पहले हम बात करते हैं मैनूब्रियम पे। स्टर्नम से अब शुरू कर लेते हैं। स्टर्नम को मैं कॉमनली ओवरव्यू दे दूँ इसका, कि इसे आमतौर पे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और यहाँ से इसके इर्द गिर्द लैटरल साइड पे रिब्स अटैच हो रही होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टर्नम जो होती है ना, वो बॉडी की मिड लाइन के लेवल पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब स्टर्नम के अगर आप सेंटर में देखेंगे तो ये हमारे पास मिड लाइन है। और इसके इर्द गिर्द वाले जो दो हमारे पास आउटर बॉर्डर है ना, जहाँ पे स्टर्नम एंड हो रही है, मिसाल के तौर पे पिंक का इधर एक तरफ और दूसरे, उसे मीडियल और लैटरल ही कहेंगे, दोनों को हम लैटरल कहेंगे। क्योंकि इसका मीडियल जो, इसका मिडल वाला हिस्सा है ना, वो है ही मिड लाइन। हमने कहा था जो मिड लाइन सा वे हिस्सा होगा वो लैटरल हिस्सा होगा, ठीक है। तो इसके दोनों साइड पर जो बॉर्डर्स आ रहे हैं ना, जो दो लाइनें आ रही हैं, उन दो लैटरल बॉर्डर्स हैं, ठीक है, ये हमने याद रखना है। फिर उसके बाद सबसे पहले मैनूब्रियम को हम डिस्कस करते हैं। जो मैनूब्रियम है ना, उसमें हमारे पास आता है ये ऊपर वाला, ये जो येलो वाला इस डायग्राम है इससे आपको नजर आ रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है। मतलब क्वाड्रिलेटरल कोई भी ऐसी चीज़ जिसके चार हिस्से हों, ठीक है। तो इसके आपने एक देखना, एक सुपीरियर साइड है, एक इन्फीरियर साइड है, और दो इसके लैटरल बॉर्डर हैं, जैसे आपको मैंने बताया।